क्या हाल है मेरे भाई। स्वागत है आपका एक बार फिर से विशाल चौधरी फिटनेस चैनल पर। मैं हूँ आपका भाई विशाल चौधरी। तो आपने नीचे टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो आज का जैसा हमारा टाइम चल रहा है ना, तो ऐसा चल रहा है कि सबको रिजल्ट चाहिए कि भैया हम क्या खाएँ कि हमारा डोला इतना हो जाए, हम क्या खाएँ कि हमारी चेस्ट इतनी हो जाए, हम क्या खाएँ हम मोटे हो जाए, हम क्या खाएँ ये। भाई देखो, आप कुछ ही खा लो, कुछ ही आप लगा लो, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है आपका हार्डवर्क, आपकी डाइट, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जब तक ये आपकी प्रॉपर नहीं होंगी कुछ नहीं होने का। फिर भी मैं आज आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कुछ सप्लीमेंट के बारे में बताऊंगा जो आपकी मसल ग्रोथ में हेल्प करेंगे, ठीक है, मसल गेनिंग में भी। सबसे पहली चीज़ है हमारा वे प्रोटीन, ठीक है। जो हम वर्कआउट करते हैं, हम अपनी एनर्जी डाउन करते हैं, अपने मसल का ब्रेक डाउन करते हैं मसल सेल्स को, तो उनकी रिकवरी के लिए इंस्टेंट जो हमें वर्कआउट के बाद चाहिए वो है वे प्रोटीन। तो हमें प्रोटीन बहुत ज़रूरी है हमारी मसल ग्रोथ के लिए, हमारे मसल को बड़ा करने के लिए, ठीक है। तो हमें जो सबसे पहली चीज़ है भाई, मैं ये नहीं कहता है जिसका जो बजट हो वो ले लो, जिसका नहीं है वो अपना अंडे वगैरह ले सकता है, बाहर से भी ले सकता है। पर मैं एक चीज़ बताता हूँ कि सॉलिड फॉर्म को डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, और वे प्रोटीन जो आपका पाउडर फॉर्म में होता है वो आपका जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है। जिसका बजट हो ले लो, जो भी कंपनी का आप लेना चाहो, मैं ही नहीं कहता, कहीं स्टूडेंट भी हैं तो ऐसी कोई बात नहीं, आप एक टाइम भी ले सकते हो प्रोटीन। कहीं भाई होता है ना कि वो तो प्रोटीन खरा डिब्बे खरा उसकी बुट्टी बंडी, भाई ये वो रिग्रेट नहीं रहने का मन में। जैसा जो चाहे वो वैसा ले सकता है, पर हाँ अपना एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन जरूर लेना है, ठीक है। दूसरा हमारा सप्लीमेंट हो क्रिएटिन, ठीक है। ये हमारी मसल ग्रोथ के लिए, मसल साइज बढ़ाने के लिए इतना ज़रूरी है, ठीक है। बहुत पुराना सप्लीमेंट है, तो मैं आपको बता देता हूँ उसका काम क्या है। हमारी स्ट्रेंथ इम्प्रूव करेगा, ठीक है। जो हमारी मसल ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, उसमें जो एक तो सबसे बड़ा मिथ है क्रिएटिन के बारे में कि ये वाटर होल्ड कर देगा बॉडी में, ठीक है, मसल को ऐसा बना देगा पफ सा, ऐसा नहीं है। जो हम मसल पंप करेंगे गेन करेंगे तो उन्हें हाइड्रेट रखने का काम है इसका, मसल हमारी हाइड्रेट रखेगा। ये जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसे हमारी मसल तक पहुंचाने का काम करेगा क्रिएटिन, हमारी स्ट्रेंथ इंप्रूव करेगा, ठीक है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा। इसलिए कहते हैं थोड़ा पानी ज़्यादा पियो तो बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। तो ये हो गया हमारा, स्ट्रेंथ गेन करेगा, ठीक है। तीसरा सप्लीमेंट है हमारा मल्टीविटामिन, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसे हर कोई प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इन पे ही ध्यान देता है, लेकिन मल्टीविटामिन को हर कोई छोड़ देता है। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं बता रहा, बिल्कुल ऐसी बता रहा जो आपकी बिल्कुल पॉकेट में आ सकती है, जो घर से सपोर्ट है, जिसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दो सप्लीमेंट ले लो या एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटीन में ही बनेगी। बस थोड़ा क्या है, आपको अपनी डाइट पर फोकस करना है। मल्टीविटामिन लेंगे हम, मल्टीविटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, आप सभी को भी पता है, लेकिन उनका काम क्या है। जो भाई कहते हैं कि हम इतना खा रहे हैं हमारे फिर भी नहीं लग रहा, तो जैसा हम खाते हैं ना तो उसका कुछ परसेंट ही हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो मल्टीविटामिन का काम है उस जो हम खा रहे हैं उसका कम से कम 90-80% आपकी बॉडी तक पहुंचाए, ठीक है। तो एक मल्टीविटामिन हो गए, आप ज़्यादा हाई फाई लेने की जरूरत नहीं है, मेडिकल स्टोर पर जाओ, विकट एक्सामिन आएगी 30-40 रुपये की, वो ले लो, आप अपनी नीड के हिसाब से ले सकते हो एक दो कैप्सूल दिन में। चौथा सप्लीमेंट है हमारा प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट का बहुत बड़ा मिथ है कि हम अगर डेली लेते हैं तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है, ये सच है। अगर हम उसे डेली लेंगे तो हमें उसकी आदत पड़ जाएगी, लेकिन जो उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो उसमें पड़ा होता है, उसकी बॉडी हमें उसकी ज़रूरत हमें है, ठीक है। उसमें कैफीन होगा आपकी, बहुत सारी एलर्जिनाइन होगा, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में पड़ी रहती है, जो उसकी एक चम्मच में आ जाती है, तो वो भी हमारी मसल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो मसल माइंड कनेक्शन जब आप वर्कआउट करोगे तो बना के रखेगा, कैफीन हमारा फोकस बढ़ाएगा। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखो, जो हर किसी का बजट ये नहीं है कि चार रो सप्लीमेंट या प्री वर्कआउट ले ले या प्रोटीन ले ले या क्रिएटिन ले ले। मैं BCAA क्यों नहीं बता रहा आज, क्योंकि BCAA ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड उनके लिए ज़रूरी है, जो बहुत लंबा वर्कआउट करते हैं, 1.5 घंटे का 2 घंटे का, ज़रूरी है, मैं मना नहीं कर रहा, पर जो मेरे भाई नॉर्मली जो जिम जा रहे हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है, तो वो अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी है, तो जिनका जो बजट है, वैसे तो जिसका बजट है आप मेरी मान लो, एक वे प्रोटीन लो, क्रिएटिन लो और मल्टीविटामिन लो, तीन चीज़ें ले लो,
जिसका थोड़ा हल्का बजट है वो एक प्रोटीन ले सकता है, वे प्रोटीन और मल्टीविटामिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना एक्सरसाइज के बाद एक चम्मच ले लिया और उसमें बहुत है, मतलब आप अपनी डाइट पे बाद में फोकस करो और हार्डवर्क पे अपने थोड़ा सा अपना वर्कआउट इंटेंस रखो, क्यों 3-4 सेट बहुत हैं 10-12 रैप के, ये करने से आपकी मसल साइज ज़रूर बढ़ेगा। और ज़्यादा ये नहीं कि हम मंडे पड़े ज़्यादा जिम में ज़्यादा वर्कआउट कर लिया तो उससे कुछ नहीं होगा, मसल पंप करी, बाकी काम आपका डाइट करेगी। वो मैंने आपकी पीछे वीडियो में बता रखा है बहुत बार, वेट गेनिंग डाइट की और मसल साइज गेन की डाइट की वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वो देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करती हैं, जिसका जो बजट है जो जैसा लेना चाहता है वैसा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर वे प्रोटीन, क्रिएटिन और आपका मल्टीविटामिन ये मस्ट है, अगर आप अवॉइड करना चाहें तो प्री वर्कआउट को कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेरे भाइयों तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और भाई को सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा मैं आपके लिए। थैंक यू।